राम राम भाई सभी को, आप सबका स्वागत है मैक्स देसी फिटनेस में। और भाई आज हम जा रहे हैं कुणाल भाई की दुकान पे। जैसे कि मैंने बोला था, देसी दवाइयों का, देसी सामान का पूरा भंडार है। तो भाई पूरा सारा सामान आज दिखाते हैं आपको। कुणाल भाई से अभी बात हुई है, पहुँचते हैं उनकी दुकान पर और दिखाते हैं आपको सारा देसी सामान। जैसे कि आपको जहाँ तक थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी या थोड़ा थोड़ा सामान देखा होगा, आज आपको प्रॉपर पूरा सामान दिखाते हैं कि क्या क्या होता है देसी सामान। ठीक है, तो देसी सामान की सारी चीज़ें आज आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि देसी सामान कितने प्रकार के होते हैं और देसी सामान में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चल के आज को आपको दिखाते हैं कुणाल भाई की दुकान पे देसी सामान। ठीक है, तो भाई भांजे आ चुके हैं, चलते भांजे के साथ दिल्ली, लाते हैं थोड़ा सा सामान भांजे को दिला के। और थोड़ा सा सामान भाई हम खुद भी लाएंगे अपने लिए और भांजे को दिला के लाते हैं आज। तो भाई चलते हैं और मिलेंगे अब कुणाल भाई की दुकान पे। ठीक है भाई, तो भाई आ चुके हैं कुणाल भाई की दुकान पे दिल्ली, जो कि दवाइयों का पूरा भंडार है ये लगा लो। अभी दिखाता हूँ आपको सारी चीज़ें देसी जितनी भी होती हैं। तो भाई ये रही सारी जड़ी बूटियाँ, जैसे कि ये आमले का ना चमनप्रास है, आमले का चमनप्रास है, ये शक्ति रिसाइन चमनप्रास है, जो कि बहुत सारी जड़ी बूटियों के साथ बाद बनता है। मैक्सिमम 2000 रुपये कोस्ट है इसकी। और ये है भसम का चमनप्रास, ये भसम वाला चमनप्रास है, भसम इसमें डली हुई है चमनप्रास में, मैक्सिमम 10,000 रुपये का है ये वाला चमनप्रास। ठीक है, और भाई जितनी भी देखो बालों के लिए भी सब देसी है, यहाँ कोई वैसा केमिकल की चीज़ें नहीं, सब देसी। ये देखो भाई सारी देसी दवाइयाँ और देसी सामान, देसी सिस्टम सारा। ये रहे पेट खराब हो जाए तो चूरन भूख ना लग रही हो तो उसके लिए सब देसी चीज़ें बनी हुई हैं आप लोगों के लिए सारी सुविधाएं। ये रही भाई शहद वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है। ये रही भाई हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट के लिए, हर चीज़ के लिए, एक एक चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई हुई हैं देसी सारी। कोई भी बॉडी पे मालिश के लिए तेल हो वे भी देसी तरीके से ही सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध करा दी गई हैं। एलोवेरा का जो वो है जूस, तो भाई ये है एलोवेरा का जूस। और भाई और इधर देखो, ये खांसी के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। किसके लिए है? खांसी के लिए। खांसी के लिए भाषा से एमटी सेवन खांसी के लिए ये? हाँ। कितनी मस्त बढ़िया देसी है ना सारी चीजें देसी है। भाई खांसी के लिए, मोटा होने के लिए, ये देखो जब भूख नहीं लग रही या कोई भी चीज़ हो, कोई बुखार के लिए ये लो, डेंगू वगैरह हो जाए उसके लिए ये रही, सब देसी भाई, बिल्कुल देसी चीज़ों से बनी हुई। ये रहे भाई देसी, हाँ। और ये देखो भाई ये अश्वगंधा के चूर्ण है, ये वाली होती है पिसी हुई अश्वगंधा, ये नागौरी है ना शायद, नागौरी अश्वगंधा, हाँ भाई ये राजस्थान में मिलती है नागौरी अश्वगंधा है, ये हर जगह नहीं मिलती भाई, ये महंगी और सबसे बेस्ट वाली यही है अश्वगंधा। और भाई ये देखो सेम चीज दिखती है, ये तो अश्वगंधा है, और ये देखो भाई सफ़ेद मुरसली, मिट्टी सरोंजान ये है भाई, और भाई ये है पीली सतावर, और भाई ये देखो कौनच बीज पिसा हुआ देसी बिल्कुल। तो भाई इतनी चीज़ें हैं आज आप जो ना, आज आपकी आँखें खुल जाएंगी, इतनी चीज़ें होती है देसी। देखो ये आ गई और सामान आ गया, डालो डालो इधर सर, ये है सालम पंजा जो बोलते हैं ना, पांच पंजों वाला वो है, ये देखो हाथ जैसा देखो ये ना पंजा, ये है सालम पंजा, असली सालम पंजा देखना है भाई। ये इतना गर्म होता है ना, इंसान इसको ले लेना सारी चीज़ों के साथ तो पेशाब में भी जो है ना खून आने लग जाता है, इतना गर्म है ये यार, बहुत पावरफुल चीज़। और ये हो गए हमारे सालम मिश्री है भाई, ये वाली हो गई हमारी सालम मिश्री, ये देखो और लेके आओ भैया, और लेके आओ, ये देखो भाई ईरानी अकरगरा ये है, आप ना देखियो जिनसिन इनकी तरह होती है ना, जिनसिन बिल्कुल, मतलब जिनसिन की जो लकड़ी होती है इनकी तरह होती है, वो मतलब उससे थोड़ी मोटी होती है जिनसिन, ईरानी अकरगरा ये, अरे बहुत ही खिला के दिखाओ, बहुत ही गजब चीज़ है, ये है सोन बसम ये वाली देखो,
वो दूसरी वाली भी दिखाना, चांदी भसम और कई सारी भसम होती है वो दिखा लो, इनको भसम दिखा दूँ आज कितने प्रकार के होते हैं भाई। ये सोन भसम है, ये देखो भाई, ये है चांदी भसम और ये वाली है सोन भसम है। और भी भसम, भसम कई प्रकार की होती है भाई, एक प्रकार की नहीं होती है, आप सोचते हो ऐसे ही होती है भसम, कई प्रकार की भसम होती है भाई। ये है लोहा भसम, ये देखो ये वाली, और दिखाते हैं भसम आपको। और ये देखो भाई, ये है हीरा भसम, ये रही हीरा भसम, ये है। और भी दिखाता हूँ भाई भसम आपको, दिखाता हूँ और भी कई तरह की भसम होती है। अबरक, अबरक भसम, ये है भसम, ये देखो वंग भसम, वंग भसम, अदरक, अबरक भसम, और भाई लोहा, हीरा, सोना भसम, और तुम्हारी चांदी भसम, ये हो गई कितनी सारी भसम। तो ये हो गई भाई, भाई ये जो ईरानी अकर ग्रा है ना, ये भाई बिल्कुल ओरिजिनल है, ये मिलती नहीं है कहीं भी, ध्यान रखना। तो भाई ईरानी अकर ग्रा थोड़ी सी चाक के देखता हूँ और फिर बताऊँगा आपको असली है क्या नहीं। भाई बिल्कुल असली माल है, बिल्कुल असली भाई, बिल्कुल ओरिजिनल माल है, अकरगरा बढ़िया है, इसका टेस्ट ही बता देता है। तो भाई ईरानी अकरगरा ने ना पानी आवा दिया, खट्टी होती है लास्ट में, खट्टी लगती है और पानी आ जाए ना मुंह में पूरा, समझ लेना बिल्कुल असली है। इसकी पहचान है भाई, ये मुंह में बहुत सारा पानी बना दिया अपने आप ही इसने, इसकी पहचान तो यही है भाई। और एक चीज और दिखाऊं, और ये देखो भाई मकर ध्वज, बहुत ही पावरफुल चीज है मकर ध्वज। तो भाई देसी सामान का मैंने भंडार ऐसे ही नहीं बोला था भाई, ये देखो सारा ही ये देसी सामान है, ये देखो, और भाई पूरा गोदाम, पूरा गोदाम भरा पड़ा है देसी सामान से, ये देख सकते हो आप। सफेद मूसली है, सफेद मूसली ये वाली है भाई, वो जो पीसी रखी है ना वो यही है सफेद मूसली, जिनके पाउडर बने रखे हैं, अगर आपको पाउडर में नहीं चाहिए और नॉर्मल चाहिए तो ऐसे मिल जाएगी सफेद मूसली, ओरिजिनल है भाई बिल्कुल, देख लेना। जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियां भाई, ये रे कोड़ी जड़ी बूटियां पिसी रखी हैं, अगर पिसी हुई चाहिए तो पिसी हुई ले लेना। ये अश्वगंधा है, ये रही अश्वगंधा भाई, नागौरी अश्वगंधा, नागौरी अश्वगंधा जिसका हमने जिनके पाउडर दिखाए थे ना उनके, अब हम वैसे दिखा रहे हैं नॉर्मल, ये नागौरी अश्वगंधा, ये रही, ये है नागौरी, अब हम आपको नॉर्मल उसमें दिखा रहे हैं जैसे आती है इनकी सतावर है, ये पीली वाली, ये रही पीली वाली सतावर जो हमने दिखाई थी आपको पिसके, पिसने के बाद ये वाली। भाई देख लो गौर से, एक एक चीज है आपके काम आने वाली है, ये सारी नॉलेज आपके काम आएंगी, आपको कोई लूटेगा तो आप लूटोगे नहीं, मतलब अब आने वाले टाइम में अगर आप एक एक चीज को देख लोगे तो आप लूट नहीं सकते। ये व्हाइट कोंच है, व्हाइट कोंच ये रही, और ब्लैक कोंच ये, और ब्लैक कोंच ये रही, ये होती है ओरिजिनल, अगर आपको कोई ऐसे ही महकाने लग जाए तो महकना मतलब भाई, व्हाइट कोंच ये है और ब्लैक वाली ये है, सारे देसी सामान भाई। भसम अगर स्पेशल बनवानी हो तो यहाँ बनाई भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे कूट कूट के, जब भी आपके सामने मेरा सारा सामान कूट के तुरंत के तुरंत आपको बना के दे दी जाएगी भसम, जैसी भी आपको चाहिए सोन भसम या कोई सी भसम, कोई भी पागल बनाए पागल नहीं बनने का अब, क्योंकि यहाँ पूरा तहखाना बस पूरा देसी सामान का ही पूरा मामला है यहाँ। कोई भी चीज चाहिए भाई, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, ध्यान रखना, हर कंपनी का आइटम मिलेगा, हर सारा सामान मिलेगा, मतलब कुछ भी हो हर चीज मिल जाएगी आपको यहाँ पे आने के बाद। ये क्या क्या बना रखे हैं भैया ये वाले, ये आसवरिष्ट है, आसवरिष्ट देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, देखो कितने सारे आसवरिष्ट हैं, अश्वगंधा रिष्ट है, हाँ अश्वगंधा का है, मतलब सब चीजों के बने हुए हैं भाई, देखो ये बने हुए आसवरिष्ट इसमें भी हैं, डाबर का है, कई कंपनियों के भी हैं इसमें, ये पीछे भी हैं, ये पीछे हैं, ये रहे कितने सारे हैं,
लीवर की गोली भी देसी में होगी ना हमारे पास? हाँ, लीवर की गोली भी है। हाँ देसी में। ये रही भाई सारी भसम, जितनी भी भसम है ना ये एक लाइन में लगी हुई है, ये भसम है सारी, ऊपर से नीचे तक भसम लगी हुई है। इधर ये लगी हुई कुछ दवाइयाँ जो कि देसी है सारी, कोई लीवर के लिए है, किसी ने किसी चीज़ के लिए, हार्ट के लिए, किसी ने किसी चीज़ के लिए, घुटनों में कोई प्रॉब्लम हो उनके लिए, कैल्शियम खामे तो उनके लिए सारी दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध है भाई। खुजली हो जाए या कोई इस तरह से दाने हो जाए बॉडी पे, उसके लिए भी चिकित्सक भी बैठने के, और खून साफ करने के लिए भी कुछ दवाइयाँ हैं। डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर हाँ यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, देसी सामान के जो ना डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर भी यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। तो भाई ये डॉक्टर साहब हैं हमारे जो कि देसी सामान के डॉक्टर होते हैं, और ये देखो। नमस्कार डॉक्टर साहब, ठीक हो? तो भाई जब भी कुछ देसी सामान के बारे में पूछना हो या कोई भी आपको नहीं मालूम हो तो डॉक्टर साहब के पास आओ, किसी प्रकार की बातें पूछ सकते हो, इंक्वायरी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ सारी सुविधाएँ, डॉक्टर साहब भी हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप डॉक्टर साहब से आके सलाह ले सकते हैं देसी सामान के बारे में किसी भी प्रकार की। तो भाई ये देखो सब देख लिया, सब कुछ देख लिया। ये सीड्स हैं, पंपिंग सीड्स, और ये रहे थम्फोर सीड्स। और भाई ये देखो सिलाजी चाहिए तो आपको दोनों तरह की मिल जाएगी, लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगी, और नॉर्मल जो आपको ये हार्ड वाली चाहिए वो दोनों आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो सारा मामला देसी है और देसी सामान का मामला है, फिर ओरिजिनल ही मिलेगी यहाँ पे आपको। ये रही देखो, अगर लिक्विड फॉर्म में हल्की सी, बहुत लोग दिखाते हैं आपको लिक्विड फॉर्म में, ये रही देखो गाढ़ी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में भी यहाँ पे रेडी है, जो कि देसी तरीके से यहीं पे बनाई गई है। और ये देखो ये आपको हार्ड वाली चाहिए तो हार्ड वाली भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, दोनों तरीके कोई सी भी ले सकते हो। अगर शिलाजीत चाहिए आपको, शिलाजीत भी है, सब चीज़ें हैं। और ये है भाई शुगर का पाउडर, ये देखो जड़ से खत्म हो जाएगी शुगर, शुगर बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी आपकी, ध्यान रखना। हाँ ये शुगर का पाउडर है, शुगर वालों के, शुगर वालों को अगर अपनी वो कंट्रोल करनी है शुगर, तो भाई ये वाला पाउडर कंट्रोल में आ जाएगा, पूरा आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएगा इसे खाने से, ध्यान रखना। शुगर का, शुगर वाला चूरन है ये। और भाई इसको देख रहे हो आप, ये ना ये इस दुकान की नाक है, कहते हैं ना कोई चुरिंदा सामान, इस दुकान का सबसे ज़्यादा बेस्ट सामान है ये, 12-13 जड़ी बूटियों से बना हुआ है ये अकेला, ध्यान रखना, शक्ति साइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और इसके ज़्यादा रेट नहीं भाई, 2000 तक आ जाता है, 2000 की रेंज में आ जाता है भाई, बहुत ही मस्त बेस्ट, और 10000 की रेंज में आता है, क्योंकि इसमें तो भाई भसम है, इसलिए सोने की देखा अंकल जी ने बताया, सोने की बाकायदा सोने की भसम है भाई। आप मार्केट में ना सालम पंजा आपको नकली मिल जाएगा, आलू का बन के आ रहा है भाई, बिल्कुल ऐसे लगे आपको पता ही नहीं चलेगा वो असली है ये असली है, ऐसा बिल्कुल कॉपी कर देते हैं यार। ये देखो ये पंजे होते हैं वो असली, सालम पंजा जो बोलते हैं ये है वो असली पंजा। अरे भाई ये बहुत ही अनोखी जड़ी बूटी है, यहाँ नहीं मिलेंगी खेत में, ये है असली भाई, आलू के बना बना के बेच रखे हैं लोगों ने भाई, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत घपला है मार्केट में, ध्यान रखना देसी सामान के मामले में बहुत घपला है। और भाई जब भी मैं हर एक हफ्ते भी अगर मैं घर रुक गया ना, और उसके बाद जब भी आया हूँ तो इसकी शॉर्टेज मिलती है, आपको एक बार फिर बता दूँ, इतनी शॉर्टेज है सामान की, ये मिलता ही नहीं है यहाँ पे, 5 दिन में कितना भी मंगा ले ये ख़त्म हो जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ऑल इंडिया डिमांड है भाई इसमें, इसको जो जानता है या जिसने खाया है ना, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई, शक्ति रिसाइन की। तो भाई ये देखो एक बार फिर से देख लो, पूरी दुकान का मुआयना करा देता हूँ एक बार में ही, मतलब ये देखो सामान भाई, सामान बहुत है, और ये देखो भाई कितना सामान है, कितना भी ले लो यार, कितना भी देसी सामान में कुछ भी जो आपकी डिमांड हो,
यहाँ पे आके कुछ भी मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे जो है ना देसी सामान से भरे हुए हैं, ये सब देसी सामान से भरे हुए हैं, सब में कुछ ना कुछ है, देसी सामान भरा हुआ है सब में। ये देखो चीज़ है, गुलाब पत्ती भी है, गुड़ल पाउडर है ना ये, हाँ गुड़ल पाउडर। महक देखो, अरे महक कैसी है इसकी, देसी खांड है। अरे भाई ये देखो देसी खांड, अरे वो वाली जो सफेद होती है उससे बहुत अलग है ना ये देसी खांड जो है, ये है देसी खांड। ये देखो भाई, अरे सारी चीजें हैं लगभग भाई। ये देखो पूरी दुकान को देखो, पूरी देसी सामान से लदी हुई है, भरी हुई है पूरी की पूरी भाई। ये देखो और भाई इस दुकान के जो ओनर है ना वो है हमारे कुणाल भाई, ठीक है भाई। तो कुणाल भाई है अपने बहुत ही खास, हमारे घर के मेंबर समझ लो, बिल्कुल ऐसे मानो घर जैसी बात होती है ना, ऐसा सिस्टम है भाई बिल्कुल। और भाई इन्हीं की दुकान है, और ये देख लो भाई कभी भी आ सकते हो, दिल्ली के अंदर है, मंडी घंटा घर अगर आप पहुँच गए तो समझ लो आप दुकान पर पहुँच गए, ये समझो ठीक है ना। ये एड्रेस है दुकान का, देखा ना दुकान का एड्रेस दिखा दो एक बार भाई। ये देखो ये एड्रेस है दुकान का, नंबर वगैरह सब कुछ है। तो भाई ये देखो मैंने 5 रिसाइन ले लिए हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है, मैं इसे सबसे ज़्यादा खाता हूँ, अपने जितनी भी जड़ी बूटी जितना मेरा सामान है ना उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं शक्ति रिसाइन का। तो भाई मैंने सोचा आपको बाहर का भी एक सीट दिखा दूँ इस दुकान का, आपको जो है ना अगर कोई आसपास आ जाए हमारा भाई तो आपको ढूंढने में जो है ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ का एक सीन दे दिया बाहर का। ये बोर्ड लगा हुआ है आयुर्वेदा के नाम से, और ये है दुकान, ठीक है। भाई दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत बदम क्या है, दिक्कत ये है एक तो देसी सामान की लोगों को नॉलेज नहीं है, सही से कम नॉलेज है, कम चीज़ों के बारे में पता है। मैं बोल रहा था ना उस दिन कि लोगों को बस 2-4 चुनिंदा चीज़ों के बारे में मालूम है, सिलाजीत केसर वगैरह और ड्राई फ्रूट्स में वही अपना खजूर वजूर खा लिए, लोग सोचते हैं तुमने ना जाने क्या खा लिया। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बोला था ना बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो और सामान आने वाला है, जब अगली बार आऊँगा तो और भी सामान आपको मैं दिखाऊँगा, सारा देसी बिल्कुल असली है भाई, कहीं से कुछ भी उठा लो, किसी भी लैब में चेक करवा लो, कहीं भी चेक करवा लो, ये बिल्कुल कई साल पुरानी दुकान है भाई ये। तो भाई मैक्सिमम ना ये 60-70 साल पुरानी तो दुकान है ये लगा लो। अभी मैं एक चीज दिखाऊं आपको, ये देखो भाई अंकल जी दिख रहे हैं, पहले अंकल जी चलाते थे दुकान को, अंकल जी भी निकल लिए, ये लगा लो दुकान को चलाते तो कितना टाइम हो गया ये देख लो, और अब कुणाल भाई चला रहे हैं, उनके पोते हैं ये चला रहे हैं देख लो दुकान को, तो इतने लंबे टाइम से भाई दुकान चल रही है। तो भाई जो हमारा भाई जो हमारा सब्सक्राइबर है ना वो अगर यहाँ पे आएगा तो उसको 5% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। ये देखो भाई कुणाल भाई बताओ, देखो जो भी मैक्स देसी फिटनेस का सब्सक्राइबर होगा, हाँ 10% तो हम जनरली सबको डिस्काउंट देते हैं, हाँ, पर जो मैक्स देसी फिटनेस का सब्सक्राइबर होगा उसको हम 5% एक्स्ट्रा देंगे डिस्काउंट। 15% हो गया भाई ये लगा लो, अब देख लो मौज आ गई आप लोगों की, दिखाना कि हाँ मैं वाकई सब्सक्राइबर हूँ, और आना यहाँ से कुछ भी सामान जो तुमको चाहिए वो लेके जा सकते हो, ठीक है। कोई भी जड़ी बूटी हो और आपको कहीं भी नहीं मिल रही हो, यहाँ पे आओ संपर्क करो कुणाल भाई से और आपको वो चीज़ यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है ना। तो भाई चलते हैं, वो कुणाल भाई से लेते हैं अलविदा, और ये कुणाल भाई ने हमें दिया है गिफ्ट शक्ति रिसाइन का एक, और कुछ ये हमारे हैं और एक कुणाल भाई ने अपनी तरफ से दिया है हमारे लिए। तो कुणाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, बढ़िया से बढ़िया चीज़ें लेते रहो और कोई नॉलेज चाहिए तो यहाँ पे आओ और नॉलेज लेके जाओ, या फिर कोई सामान लेके जाओ, लेकिन यहाँ तक पहुँचो और देख के जाओ, आपकी आँखें खुली खुली रह जाएंगी। देसी सामान का भंडार है ये आयुर्वेदा की दुकान, जितना ये सामान है ना देख लो भाई, ऊपर गोदाम है पूरा, जो सामान नीचे देख रहे हो इतना ही ऊपर भरा हुआ है, उससे ज़्यादा ही होगा।
नहीं ऊपर का नहीं दिख रहा। अरे बहुत बहुत सामान है ऊपर दिख रहा है यहीं से भी बहुत। सर आप गए थे ऊपर ऊपर दिखाया था? नहीं इसी के ऊपर। मैं ऊपर गया नहीं था लेकिन है बहुत बहुत सामान। ये अलग गोदाम है, दो गोदाम है मेरे। अलग गोदाम है ये? इसके ऊपर एक और है। इसके भी ऊपर है? अरे भाई इतना सामान देख के मेरा ही खोपड़ा खराब हो गया भाई, मेरा ही सर घूम जाएगा। रहने दो, पब्लिक तो पागल होगी होगी, मैं पहले पागल हो जाऊंगा। ये अलग गोदाम है, जो पर एक और गोदाम है। एक और है भैया, जड़ी बूटी का गोदाम, दो तीन गोदाम है अलग अलग जड़ी बूटी भाई। बहुत मैं बोल रहा था ना, इतना सामान है, बहुत सारा सामान है, आपका सर घूम जाएगा, बहुत सामान है। आप मैं बता रहा हूँ सलाजी, तो ये बादाम वादाम खा के टाइम काट लो, मान जाओ इतना सामान है दुनिया में भाई। आप चुपचाप सक्री साइन खाओ मेरी तरह, जैसे मैं खाता हूँ भाई, ठीक है। तो भाई कुणाल भाई से ले लिया है सामान और अब चलते हैं बादाम की दुकान पे, कुछ बादाम ले ले थोड़े बहुत भाई। तो पहुंचते बादाम दुकान पे और उसके बाद तो मैं दिखाते हैं थोड़ा ड्राई फ्रूट ले ले भाई। तो ये लो भाई, आ चुके हैं बादाम की दुकान पे, ठीक है भाई। और भैया अंकल जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा सामान मिलता है भैया। हमने पूरी पहलवानी में बादाम वहीं से लिए हैं, सारे सारा सामान हमारा यहीं से आया। अखरोट हो या कुछ भी हो, देखिए भाई माल की कोई कमी ना हो यहाँ। अंकल जी इससे बड़ी बड़े वाली तेल का माता बढ़िया थोड़ी है, ये बड़ी वाली तो है, ये बढ़िया वाली है। कागजी कागजी नहीं होती, तो खोल के दिखाई फिलहाल ये ना, कागजी तो कागजी होती ना है, कागजी तो बढ़िया। और कौन से वाला दिखा, खोल के दिखाओ इसे जरा, खुली देख लो ना, खुली देख लंबी वाली हो, लंबी वाली ले रहो, किस मुस्त है ना, हां लंबी है रे। चलो बढ़िया ले ले। और ये अंजीर बढ़िया मजेदार बढ़िया लिया गोदाम में सामान भैया, निकाल के जल्दी जल्दी गोदाम खूब बड़ा गोदाम ऊपर भी है, गोदाम चारों तरफ भाई, बिना गोदाम काम चल रहे हैं। तो ये लो भाई अपना सामान हो चुका है पूरा पैक, खजूर वगैरह बादाम वगैरह और सारे ड्राई फ्रूट्स इनमें भर लिए हमने, माल हमारा रेडी है। और भांजे चलो गाड़ी पे लगाओ सामान। तो भाई सामान जो है दोनों जगह से ले लिया है। और भाई जब भी यहाँ पे आते हैं ना बादाम वाले के पास में, ब्रेड पकोड़े वाले के यहाँ जरूर होके जाते हैं। ये देखो आपको दिखाता हूँ गजब ब्रेड पकोड़े। अरे ये देखो भाई कितने बड़े बड़े ब्रेड पकोड़े। तो भाई अंकल जी देखो ब्रेड पकोड़े से हो रहे हैं, ये देखो बहुत पुरानी दुकान भाई, बहुत पुरानी। अंकल जी देखो कहेंगे ब्रेड पकोड़ा सा बता रहे हैं। और ये देखो भाई मीठे में देखो रबड़ी है, और क्या है हमारा हलवा है, और भाई गुलाब जामुन देखो कितनी मस्त है एकदम बढ़िया। तो भाई दुकान दोनों एक ही है, मीठा इस पे मिलता है और नमकीन उधर मिलता है, पकोड़े वगैरह। चल भांजे करवाओ यार जल्दी पकोड़े करवाओ, गर्मा गर्म करवा दो माल। भाई बहुत ही फेमस ब्रेड पकौड़ा है यहाँ का, देखो ये क्या है, ये कितने बड़े बड़े हैं, ये जो होते हैं ना ये तो कितने बड़े बड़े हैं। तो भाई हमारे तो हो गए रेडी ब्रेड सिक्के, ये बार ले लो भांजे ले ले। नो भैया माल इंगे से ले लो, पेमेंट को उंगे जा रहा हूँ देख लो। पर पेमेंट के नाम पर कितने खुश हुए हैं देखा। और भाई ये आ गई हमारी लस्सी, चल भाई भांजे मजा आ रहा हो ना यार, बताओ और घुनी तकड़ी है भाई। तो भाई कुल्हड़ में चला दिया रबड़ी, ले लेते हैं अपनी रबड़ी। तो भाई ऐसी चीज़ें देख के मैंग के मुंह में बहुत जल्दी पानी आ जाता है। मैंग भैया घंटा घर पे है, कभी आना और कभी भी खाना, देखो तुम्हारे मतलब की चीज़ें हैं सारी, ये बात। तो रबड़ी भाई दे देना। तो भाई आ चुके हैं अपने घर और हमारा सामान भाई शक्ति रिसाइन। बच्चों क्या है, क्या दिक्कत है? ओ सना देवी क्या हाल है, मौज। तो भाई यहीं पे लेते हैं अलविदा। हाँ माँ ठीक है, दूध लेके जाऊंगा साथ में। तो भाई लेते हैं यहीं पे अलविदा, और लाइक करो शेयर करो और कमेंट करो और देखते रहो मैक्स देसी फिटनेस, ठीक है भाई। बाय बाय कर दे, बाय।